आज हम नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखित हिंदी कविता जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, इसका अर्थ समझेंगे। कैसे ये कविता हमको फील कराती है कि हम भारतीय हैं और हमें अपने ऊपर गर्व है। कैसे राजस्थान की मिट्टी वीरों की भूमि है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। इसमें जिक्र किया गया है गोरा और बादल, जिन्होंने कैसे राणा रत्न सिंह और पद्मिनी के सतीत्व की रक्षा के लिए कड़ कड़ मरने का प्रण किया। इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने की और उसके बाद दूसरे व्यक्ति जिन्हें मैं मानती हूँ गोरा ने की। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर्य का फिर अंधियारा छाया। खिलजी ने संदेश भेजा राणा रतन सिंह को, जिनके साथ में उनको बुलाया गया था। रावल रतन सिंह ने उनको बुलाया कि आप आइए, हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव का संस्कार होता है। लेकिन उसी खिलजी ने रावल रतन सिंह को छल किया और उसमें एक संदेशा भेजा, जिसको सुनकर पूरे महल में अंधियारा छा गया। वो संदेशा क्या था, देखिए कैसे नरेंद्र मिश्र जी ने अपनी कविता के थ्रू आगे उसको बढ़ाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। तो उसमें खिलजी ने क्या लिखा, यदि 10 दिन के भीतर महारानी पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं पहुंचता है, तो रावल रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, हम आपके राजा को मौत के घाट उतार देंगे, और अगर आप ये शाही शर्त न मानोगे तो पीछे पछताओगे। देखिए किस तरह से दुष्ट खिलजी बात कर रहा है। उसके आगे क्या लिखते हैं, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। जैसे ही यह बात पूरे महल में फैली, चारों तरफ दारुण दुख की लहर दौड़ गई। महारानी का सिंहासन डोल गया। महारानी पद्मिनी एक सती स्त्री, यह बात सुनकर सोचिए उनका हृदय किस तरह अपने आप को उन्होंने संभाला होगा। उन्होंने सोचा, महारानी ने अपनी युक्ति से सोचा। सबसे पहले उनके ध्यान में आए सेनापति गोरा, जो कि रुष्ट होकर रतन सिंह से रुष्ट होकर चले गए थे। क्या लिखते हैं आगे, रुष्ट हुए बैठा थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता जोड़ गए थे। क्या है इसमें, सेनापति गोरा ने उनको राणा रतन सिंह को समझाया कि हम नहीं झुकेंगे, लेकिन राजा हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम नहीं जानते हो, तुम राजनीति नहीं जानते हो, हर जगह ये तलवार निकालना ठीक नहीं है, किसी जगह संधि से भी काम करना चाहिए। इन्हीं बातों के विरुद्ध से सेनापति, जो राजा के लिए, राजा रतन सिंह के लिए, रावल रतन सिंह के लिए इतना जिनका मन में भाव था, उनको कष्ट हुआ कि देखिए राजा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इससे रुष्ट होकर सेनापति गोरा वहाँ से चले गए थे, पर देखिए रानी उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ उनसे मिल ही लेती है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। कैसे रानी पद्मिनी, सोचिए रानी पद्मिनी की क्या दशा हुई होगी, बन बन भटक भटक कर वो गौरा को ढूंढ रही हैं, और उन्होंने आखिर में गौरा को ढूंढ निकाला और उनसे खिलजी का जो पैगाम सुनाया। लेकिन गौरा वो तो एकदम रुष्ट हैं, तो क्या कहते हैं आगे देखिए, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। गौरा को बहुत दुख हुआ
वो क्या बोलते हैं रानी पद्मिनी को, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ रानी, मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं तो कब का ये सब छोड़ चुका हूँ, और राजमुकुट की जो हट है मैं तो उसके विषय में कुछ नहीं जानता, मैं कैसे समझ सकता। लेकिन रानी उसको कैसे समझाती है, देखिए कितना अच्छा प्रसंग इन्होंने लिखा है। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। रानी पद्मिनी क्या कहती हैं, वीर समय नहीं है, इस समय समय नहीं है क्रोध करने का,